ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और कंप्यूट करें ट्रिग्नोमेट्री की माना जो है वो मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स, मतलब ट्रायंगल्स की मेजरमेंट को हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। आज जैसे कि आज हमारी टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल, तो ये जो टॉपिक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये तकरीबन बेसिक मैथ के क्वेश्चन में आती है, इसके क्वेश्चंस बेसिक मैथ, चाहे वो फीगल टेस्ट हो या कोई भी टेस्ट हो, जिस टेस्ट में भी बेसिक मैथ आती है तो उसमें इसके क्वेश्चन आते हैं। ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये रेशोज हमें याद करने होंगे। अगर ये रेशोज याद हैं तो हम काफ़ी, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है बेसिक मैथ के आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये हम दूसरी टाइप है, ए के सामने वाली साइड को हम ए से शो करेंगे, बी के सामने वाली साइड बी से शो करेंगे, सी के सामने वाली साइड को हम सी से शो करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो एंगल थीटा है उसके अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड, उसके अपोजिट जो अपोजिट जो साइड है उसको हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर, उसको हम परपेंडिकुलर कह सकते हैं, अपोजिट साइड कह सकते हैं। थीटा एंगल के सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर और अपोजिट साइड कहेंगे। थीटा एंगल जो है, थीटा उसकी एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड को हम एडजेसेंट, एडजेसेंट कहेंगे और इसको हम कह सकते हैं, सॉरी, इसको थीटा एंगल, ये ए है, थीटा एंगल थीटा भी कह सकते हैं, एंगल ए भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका नाम बार ए दिया गया है तो इसको हम एंगल ए भी कह सकते हैं। एडजेसेंट आर बेस भी कहते हैं। और जो एंगल सी है, जो 90 एंगल है, उसके साइड, उसके सामने वाली साइड को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। एंगल सी के सामने वाली साइड, एंगल सी के जो सामने वाली साइड को उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। अब ट्रायंगल्स में, राइट एंगल ट्रायंगल्स में हमारे तकरीबन 6 रेशोज बनते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और सेक थीटा, जिसको हम सीकेंट फुल नाम से कहते हैं, सीकेंट थीटा और कॉट थीटा, कोटेंजेंट थीटा जिसको हम कॉट थीटा कहते हैं, और कोसेकेंट थीटा जिसको हम कोसेक थीटा कहते हैं। ये 6 रेशोज हैं एक्यूट एंगल्स के, जो कि बराबर होते हैं साइन, ये हमें याद करने पड़ेंगे, साइन थीटा जो बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो के बराबर किसके, ए ओवर सी, ये हमें याद करना पड़ेगा। अब आ जाएं हम कॉस थीटा पे, तो ये है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है, बी ओवर सी,
रेडियन में बात करना पड़ेगा। टेन थीटा जो है वो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो गया। परपेंडिकुलर क्या है? ए ओवर बेस क्या है? बी, क्योंकि हम यहाँ पे बता गए हैं एंगल ए के सामने वाली साइड क्या है परपेंडिकुलर। जो एंगल हम लेते हैं यहाँ पे थीटा एंगल लेते हैं तो थीटा के सामने वाली साइड ए होगी। सीकेंड, अब ये तीनों आप याद कर लें। सीकेंड जो है वो कास के रिवर्स है, कोस पॉट जो है वो टेन के रिवर्स है, और जो कोसिकेंट है वो साइन के रिवर्स है। इसको आप रिवर्स कर दें तो भी आपकी मर्ज़ी, अगर याद कर लें फिर भी आपकी मर्ज़ी। अपन यूज ओवर बेस, सी ओवर बी, ये हो गया सीकेंट। और काट हो जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर, वो था परपेंडिकुलर ओवर बेस, और ये हो गया बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो ये हो गया बी ओवर बेस ओवर परपेंडिकुलर, ये हो गया हिपरन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। तो हिपरन्यूज हमारा सी है और परपेंडिकुलर हमारा ए है। तो ये सिक्स रेशोज हो गए जो कि हमको याद करने, और साइन थीटा ये भी चीज़ याद करनी है जो कि रिवर्स है वन अपॉन कोसेक के, कॉस थीटा जो कि बराबर है वन अपॉन सेक थीटा के, और टेन थीटा जो कि बराबर है वन अपॉन कॉट थीटा के। ये चीज़ें याद कर लेंगे हमें। इनको याद करने के बाद जो भी प्रॉब्लम इस ट्रिग्नोमेट्री मैट्रिक्स पे आएगा तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।